नमस्कार मित्रों, मैं हूं आरपी वर्मा, आप देख रहे हैं बरेली देहात। जैसा कि आज मतदान लगातार सुबह से चल रहा है और हम विशारदगंज का जो कन्या पाठशाला है उस पर पहुंचे हुए हैं और वार्ड का यहां जो वार्ड हैं 5, 6 और 2 यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और आपको दिखाएंगे जो तस्वीरें हैं आज की वोटिंग की। गर्मी की वजह से आप देख रहे हैं एक माहौल, शांत माहौल है और कुछ लोग हमारे साथ हैं, जानते हैं जी क्या नाम है। चेतराम मौर्य। चेतराम जी, ये जो कन्या पाठशाला है, कौन कौन से वार्ड की वोट पड़ रहे हैं? ये मुझे नाला मैंने पता ना, हाँ 6 वार्ड का तो मुझे पता है जी, आप बताइए। नहीं, 6 वार्ड और 11 वार्ड अभी तक क्या वोटिंग की स्थिति? हल्की कम चल रही है ना इस टाइम, कम चल रही है गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से थोड़ा कम आ रहा है, दोपहर के बाद में थोड़ा सा हो जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी कन्या पाठशाला प्रथम और द्वितीय दोनों लगता है। देखिए विशारदगंज जो कन्या पाठशाला प्रथम और द्वितीय की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, यहाँ पर बाकायदा यहाँ जो आप माहौल देख रहे हैं बिल्कुल शांत माहौल है और मतदान बाकायदा चल रहा है और आप देख रहे हैं गर्मी की वजह से यहाँ पर काफ़ी एक तरह से माहौल बिल्कुल शांत है और देख रहे हैं आप इसमें जो मतदान केंद्र बनाया गया है और जो मतदाता हैं अपने बाकायदा अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और देखिए लाइन में लगकर बाकायदा अपनी वोटिंग का इंतजार कर रहे हैं। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे, नगर पंचायत विशारदगंज की जो कन्या पाठशाला प्रथम और द्वितीय है आप देख रहे हैं, हम इसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पर बाकायदा गर्मी की वजह से जो उत्साह होना चाहिए वोटरों में वो अभी नहीं है और काफ़ी गर्मी है, इसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं शांत माहौल लग रहा है और जो नामांकन प्रक्रिया है बाकायदा चल रही है। देखिए ये जो मतदाता हैं, देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक शांत माहौल सा लग रहा है और बिल्कुल गर्मी की वजह से थोड़ा जो वोटर्स हैं वो अभी घर में हैं और ज़्यादा अच्छी वोटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। और हमारे साथ एक भैया हैं, उनसे जानते हैं। भैया क्या नाम? भैया रवि। रवि आप तो एजेंट भी हैं? हमें प्रत्याशी हूँ वार्ड नंबर 11 से। प्रत्याशी हैं तो अभी तक वोटिंग की क्या स्थिति है? अभी तो कुछ पता नहीं चल पा रही है, इसमें हल्के हल्के मतलब काम हो रहा है, हल्के हो रहा है। वोट पड़ चुके हैं अभी तक इसकी जानकारी नहीं है मुझे। प्रत्याशी हैं कहाँ का बता पाएंगे साहब? ये तो देखिए ये प्रत्याशी हैं और एजेंट भी बने हैं ना। अच्छा प्रत्याशी हैं आप? अच्छा प्रत्याशी, हाँ प्रत्याशी हैं आप, बाहर हैं इसलिए आपको पता नहीं। ठीक, देखिए यहाँ पर जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विशारदगंज में और आप देख रहे हैं वक्त 1:15 है और उसके बावजूद भी आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उत्साह होना चाहिए वोटरों में वो उत्साह नहीं है और जो लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं। देखिए हमारे साथ विशारदगंज के कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। जी भैया क्या नाम है? इरफान खान। इरफान जी, ये जो वोटिंग चल रही है कौन सी वार्ड की? जो 5 बार 10 बार जी, तो क्या लग रहा है इस बार विशारदगंज में? इस बार विशारदगंज में लाल भाई लग रहा है। देखिए यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और लोगों से बातचीत कर रहे हैं। जी भैया कौन सा वार्ड है ये? यह 5 वार्ड है सर जी। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? तो सब कुछ सही चल रहा है, अभी तक तो पोलिंग बढ़िया हुई है, किसी तरह का दंगा कोई कुछ नहीं, यहाँ कोई विवाद कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब आराम से बढ़िया हो रहा है जो भी कुछ है अभी तक के रिकॉर्ड में। और जो है यहाँ उम्मीद जो है हमारे बीजेपी के नेता, क्या नाम है उनका? महेश साहू, उन्हीं की ज़्यादातर चाय। देखिए यहाँ पर हम पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर जो कमल सरकार आपकी बात। देखिए यहाँ पर जो वोटर्स हैं हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। जी भैया क्या नाम है? जी हमारा नाम है दानिश खान। जी दानिश खान जी, क्या कहेंगे? हाँ हमारा वार्ड नंबर 5 लगता है और यहाँ पर 4 वार्डों के वोट डल रहे हैं। जी जी, इतनी शांति से वोट डलते हैं इस वार्ड नंबर 5 में कि किसी वार्ड में इतनी शांति से वोट नहीं डल पाते, बहुत बढ़िया वोटिंग है और अल्लाह ने चाहा तो सीट अपनी ही निकले इंशाल्लाह। अपनी मतलब? अपनी तो अपनी मतलब नाम नहीं खोल सकते, सीट आपकी निकलेगी। प्रत्याशी हैं जी? क्या चुनाव लग रहा है? चुनाव जो होता है वो इस तरह है ना, दिल में बताने का नहीं है, जिस दिन जीत जाएगा वो हमारा चुनाव चिन्ह है, जो मतलब
जो जीतेगा भाई आपका चुनाव चिन्ह। हम तो सबको लड़ा रहे हैं ना जी, तो हम किसके बुरे बन सकते हैं? बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। हम किसी के बुरे नहीं बन सकते। क्या नाम भैया? हमारा नाम है दानिश खान। देखिए दानिश जी हैं, बहुत सुंदर जवाब दिया, जो जीतेगा वही हमारा प्रत्याशी है। और देखिए हमारे साथ कुछ और युवा हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी भैया क्या नाम है? बिलाल भाई। बिलाल जी तो कौन से वार्ड में आपका? वार्ड नंबर 5। वार्ड नंबर 5 में पढ़ते हैं। तो क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, हमारे कमालुद्दीन मंसूरी के हम प्रत्याशी के सपोर्टर हैं, हम पूरी कोशिश में उन्हें लड़ाने की कोशिश है, जिताने की। वार्ड नंबर 5 में हमारे मेंबर हैं कमालुद्दीन। हाँ जी वोट है हमारा। पड़ गया? अभी नहीं पड़ा है, बस पड़ेगा अभी, हम इंतजार कर रहे हैं वोटिंग का। अच्छा, वैसे वोटिंग बहुत बढ़िया चल रही है। पहली बार वोट पड़ रहा है या दूसरी बार? पहली बार पड़ रहा है मेरा। तो आपके अंदर एक उत्साह होना चाहिए, पहली बार जब वोट होता है तो लगता है पहले डालेंगे आप। पहली हमने खुद नहीं डाला, हमारी अभी 80% चल रही है, 20% की और जरूरत है। अगर हमारी 20% हो जाएगी पूरी तो हमारा प्रत्याशी मेंबर कहलाया जाएगा, उनके सपोर्टर हैं। देखिए और भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। देखिए बाकायदा वोटर्स हैं और अपने मतदान के लिए जो कन्या पाठशाला उसमें लगातार पहुँच रहे हैं, और कुछ लोग हमारे साथ और भी हैं यहाँ के जो मतदाता हैं। जी क्या नाम है भैया आपका? तो वोट ही नहीं होगा ना जी। क्या नाम है? जी मेरा नाम काशिफ खान है जी, वार्ड नंबर 5 से जी, वोटर जी। मैं भाई सब तरह से फुल तरह से सपोर्ट कर रहा हूँ सबको जी, और जो दिल से जिसको लड़ाना है उसको लड़ाऊंगा और कोशिश करूंगा बेहतर से बेहतर मेंबर बने। क्या क्या चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह 3 है इस टाइम हमारे वार्ड में जी। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? खजूर तारा है, और तुम्हारा आम है जी, और तुम्हारी कार है जी जी। इन 3 में से 1 को मतदान देके मैं उसको विजयी बनाऊंगा। नहीं तो 3 में से 1 को देंगे? देंगे किसे? देंगे, मैं इस टाइम आम को लगा रहा हूँ। देखिए बहुत सुंदर ये भैया हमारे साथ, और देखिए हम यहाँ जो कुछ लोग हैं उनसे भी आपकी बातचीत कराएंगे। देखिए ये नगर पंचायत विशारदगंज के लोग हैं और मतदान चल रहा है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, और बहुत ही शांत तरीके से यहाँ पर मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है, और किसी तरह का भी आप देख रहे हैं। जी भैया क्या नाम भैया? जी भैया आप क्या नाम है? असलम भाई कौन से वार्ड में पढ़ता है आप? 11 में पढ़ता हूँ। 11 में तो ये आपके कन्या पाठशाला में वोटिंग चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? सही पोलिंग हो रही है, किसी तरह का कोई गपला किसी तरह कोई गपला नहीं है, शांतिपूर्वक चल रहा है चुनाव। जी भैया। जी भैया बताओ। मेरा नाम अलीश खान है जी, मेरा 5 नंबर वार्ड के प्रत्याशी आजम खान राशिद भाई जी, उन्हें जिता रहा हूँ मैं खुल के। खुल के जिता रहे हैं? और क्या, क्या लग रहा है? जीतेंगे, वापी जीत पक्की है। जीतेंगे? हाँ। देखिए हम जो विशारदगंज के यहाँ पर जो युवा जो वोटर्स हैं, हमने उनसे बातचीत की है। क्या नाम बताया भैया? अलीश खान। वोट बन गया आपका? पहली बार डाल रहे हैं या दूसरी बार? पहली बार। तो डाल चुके हैं वोट? डालने वाला है, अभी नहीं डाला है। पहले लोगों के पढ़वा तो दें, 7 वालों के। 7 वाले? ये आप युवा हैं, पहली बार वोट बनाया, जब पहली बार वोट बनता है तो वोट डालने की अलग उत्सुकता होती है कि हम इस बार पहली बार वोट बनाया है और हम पहली बार सबसे पहले वोट डालेंगे। पहली बार जो वोट डालता है उसे सम्मानित करते हैं। खुशी बहुत है डालने की, मगर टाइम से डालेंगे, सबको डलवा के, सबको डलवा के डालेंगे। देखिए बार राशिद खान की सरकार। देखिए देखिए लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, वोट अभी आपका नहीं है। देखिए ये जो इन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये जो कन्या पाठशाला प्रथम और द्वितीय जो कन्या पाठशाला, उसमें कई वार्डों के यहाँ पर जो वोट पड़ रहे हैं, और यहाँ कुछ युवा जो वोटर्स हैं हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। और देखिए ये जो विशारदगंज की जो कन्या पाठशाला वाली गली है उसमें हम आए हुए हैं, और यहाँ के जो वहाँ के जो लोग हैं और वहाँ के जो वोटर्स हैं हमने उनसे बातचीत की है, और आप देख रहे हैं एक तरह से जो गलियों में बिल्कुल सन्नाटा सा छाया हुआ है, और गर्मी की वजह से लोग घरों में बाकायदा अभी आराम कर रहे हैं, और गर्मी भी काफ़ी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इसकी वजह से लोग यहाँ पर वोट डालने को अभी आ नहीं पा रहे हैं। जी भैया क्या नाम है? जी मैं कहना ये चाहूँगा, गर्मी का खैर मौसम तो है, और इस टाइम में जो भी गर्मी में इलेक्शन हो रहे हैं बहुत बढ़िया हो रहे हैं, और कोई किसी चीज़ का भेद विवाद नहीं है, एक ही लाइन में हिंदू भी लग रहे हैं मुस्लिम भी लग रहे हैं, किसी हमारे विशाखापट्टनम में भेद विवाद नहीं है, बहुत आराम से वोटिंग होती है और इंशाल्लाह ऐसी होती रहेगी।
हमारे विशालगंज के। आप कौन से वार्ड में रहते हैं? हमारा 5 नंबर वार्ड है, जिस वार्ड में वोट डल रहे हैं, जिस वार्ड में हम इस वक्त खड़े हैं, यही हमारा वार्ड नंबर। जी जी भैया, क्या नाम भैया? भैया बोलो 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 यार। देखिए, नगर पंचायत विशारदगंज का जो कन्या पाठशाला प्रथम और द्वितीय है, हम उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं और लगातार आज मतदान की हम आपको नगर निकाय चुनाव मतदान की आज हम आपको आंवला तहसील की जो नगर पंचायत और नगर पालिका है उसकी तस्वीरें दिखाते रहेंगे। देखते रहिए बरेली देहात न्यूज़।